हेलो गाइस, आई एम वैशाली केकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इंजीनियरिंग। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी आईओटी का इंट्रोडक्शन देख लिया था, हमने देख लिया था इंटरनेट ऑफ थिंग होता क्या है, उसके बाद हमने देखा था सेंसर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सेंसर होते हैं, सेंसर्स को डिटेल में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मूव कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईओटी पर। आईओटी के कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं हम इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे आईओटी को, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉम्पोनेंट्स हैं दीज आर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स लाइक डेटा मैनेजमेंट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर एंड पर्सन एप्शन लेयर। डेटा मैनेजमेंट लेयर, नाम से पता लग रहा है ये डेटा को कलेक्ट करता है, लर्नर से डेटा को कलेक्ट करता है और इसको प्रोवाइड करता है एज अ लर्निंग डेटा। डेटा लर्नर से लेकर एज अ लर्निंग डेटा प्रोवाइड कर देता है जिससे इस पर फर्दर एनालिसिस हो पाए। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो लर्निंग कंटेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। हमारे पास 4G, 5G, वाईफाई, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं। नेटवर्क लेयर से हमारे पास डेटा ट्रांसफर होता है, हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास परसेप्शन लेयर होती है। परसेप्शन लेयर में हमारे पास बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, राइट। हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं जो कि हमारे पास जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं या फिर नेटवर्क से डेटा को रिक्वेस्ट करते हैं। नेटवर्क को बोलते हैं भाई हमें डेटा दो जिससे हम परसेप्शन कर पाए कि वॉट इज हैपनिंग, राइट। सो जो हमारे पास बेसिकली ब्रॉडली 3 लेयर्स हैं वो है परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। परसेप्शन लेयर इट इज द फिजिकल लेयर ऑफ द आर्किटेक्चर, जो भी आर्किटेक्चर की फिजिकल लेयर है। परसेप्शन लेयर बनी होती है फिजिकल ऑब्जेक्ट से, राइट। सो जहां पर हमारे पास सेंसर्स कनेक्टेड है, डिवाइसेस कनेक्टेड है, यहां पर हमारे पास परसेप्शन लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है और इसे ही हम परसेप्शन लेयर बोलते हैं। ये क्या करती है परसेप्शन लेयर, गैदर वेरियस अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा को गैदर करती है एज पर द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। मेरी प्रोजेक्ट की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं डेटा को गैदर करती हूँ विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन लेयर, राइट। अब ये जो हमारे परसेप्शन लेयर में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस है, याद रखिए, जैसे कि हमारे पास सेंसर्स, एज डिवाइसेस, एक्चुएटर्स, जो कि एनवायरमेंट के साथ, फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी हमें देते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन लेयर। कमिंग टू नेटवर्क लेयर, जो हमारे पास अब डेटा परसेप्शन लेयर से कलेक्ट हुआ है ये डेटा को हम ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क डेटा को ट्रांसमिट करता है ब्रॉडली, आई कैन से दैट, और उसको प्रोसेस करता है। सो नेटवर्क लेयर का जॉब क्या है, डेटा को ट्रांसमिट करना, प्रोसेस करना। इट इज लाइक अ कार, राइट। जैसे कार हमें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाती है, जो नेटवर्क लेयर है वो भी यही काम कर रहा है, नेटवर्क यही काम कर रहा है लाइक द कार। नेटवर्क क्या करता है, डेटा को एक जगह से उठाता है दूसरी जगह ले जाता है। इट कनेक्ट्स दीज डिवाइसेस टू अदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, सर्वर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस। ये जो डिवाइसेस है इनको कनेक्ट कर देता है दूसरी ऑब्जेक्ट से, सर्वर से और इवन दूसरे नेटवर्क से। इट ऑल्सो हैंडल्स द ट्रांसमिशन ऑफ ऑल ऑफ द डेटा, पूरे डेटा को कैसे ट्रांसमिट करना है, कहाँ ट्रांसमिट करना है, ये सब को हैंडल करता है नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन जो हमारा यूजर इंटरफेस है, मैं एक यूजर हूँ, मैं एप्लीकेशन का यूज करूंगी, राइट। तो जो हमारी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स थी, सेंसर था, ये सब आ गया परसेप्शन लेयर में। परसेप्शन लेयर ने डेटा जनरेट करा, डेटा को ट्रांसफर करा, अब ये डेटा कहां पर आ गया, एप्लीकेशन लेयर में आ गया। एप्लीकेशन लेयर लाइक मेरे मोबाइल फोन में मैंने इन सबको एक्सेस कर लिया, इस डेटा को नेटवर्क ने मेरे मोबाइल फोन तक पहुंचाया और मैंने अपने मोबाइल फोन में डेटा को एक्सेस करा विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर। मैं यूजर थी तो यूजर के इंटरफेस पर क्या आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर। सो द एप्लीकेशन लेयर इज वॉट द यूजर इंटरेक्ट विद, यूजर किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन लेयर के साथ, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक सर्विस टू द यूजर। मेरे को जैसी सर्विसेज चाहिए वो डिलीवर कौन करेगा, एप्लीकेशन लेयर। दिस कैन बी अ स्मार्ट होम इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि हम एक बटन दबाएं और कॉफी मेकर टर्न ऑन हो जाए, हम एक बटन दबाएं और घर की सारी LEDs टर्न ऑन हो जाए, हम एक बटन दबाएं और रूम का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए विद AC और हीटर। तो ये सब हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट होम की। जो एक बटन हम दबा रहे हैं वो यूजर एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर।
सो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास जो तीन लेयर हैं, परसेप्शन लेयर जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क है या सेंसर है, राइट. सो हमारे पास इसके बाद जो डेटा जाता है परसेप्शन लेयर से डेटा जनरेट होता है, नेटवर्क लेयर तक पहुंचता है. यहाँ पर हमारे पास 3G 4G ट्रांसमिशन ऑफ डेटा होता है. यहाँ पर इसके बाद हमारे पास मिडलवेयर लेयर होती है. मिडलवेयर लेयर हमारे पास यूज होती है स्टोरेज के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए या एक्शंस के लिए. कभी कभी हमें डेटा को स्टोर करना पड़ता है, डेटा को दूसरे डिवाइसेस तक भी पहुंचाना पड़ता है, तो स्टोरेज या इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है. इंफॉर्मेशन को दूसरे फॉर्म में प्रोसेस, डेटा को दूसरे फॉर्म में बनाना पड़ता है, दैट इज हैपनिंग इन मिडलवेयर लेयर. जो एक्शंस लिए जाते हैं मिडलवेयर लेयर. फिर एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन में क्या होता है, जो स्मार्ट एप्लीकेशंस हो रही हैं, मैनेजमेंट बेसिकली हो रहा है यूजर के एंड से, वो एप्लीकेशन लेयर में हो रहा है. बिजनेस लेयर. बिजनेस लेयर से हम क्या करते हैं, एनालिटिक्स करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि किस यूजर ने किस टाइप का डेटा यूज करा है, किस टाइप की एप्लीकेशन है किस पर्टिकुलर यूजर की, और हम यूजर स्पेसिफिक फिर हम उसे डिलीवरीज दे सकते हैं, राइट. सो यहाँ पर आप अब देखिए कि जो तीन लेयर्स हैं, हमने तीन लेयर्स को मिडलवेयर लेयर और बिजनेस लेयर में हमने एक्स्ट्रा प्रोसेस कर दिखाया है. वी हैव थ्री लेयर्स ब्रॉडली, परसेप्शन, नेटवर्क एंड एप्लीकेशन. दो एक्स्ट्रा लेयर दिखा रखी हैं, मिडलवेयर एंड बिजनेस लेयर. इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज कि किस पर्टिकुलर यूजेज में आप इंटरेस्टेड हैं. अगर आप एज अ कंपनी और एज अ इंडस्ट्री आप IoT को यूज करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास बिजनेस लेयर तो होगी ही होगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर यूजर की यूजेज को एनालाइज करना चाह रहे हैं. With the help of flow chart, with the help of analytics, data analytics, you will analyze a particular user. तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेज होते हैं जो कि एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस नेटवर्क्स लाइक 2G 3G. तो डिवाइसेज नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं. हम लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हमारे नेटवर्क से 2G 3G से कनेक्टेड हैं. अभी नहीं, मोबाइल फोन से हम अपने घर के थिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं, हम अपने AC को, फैन को, या फिर हम किसी और थिंग को कनेक्ट कर सकते हैं. मोस्टली दीज टेक्नोलॉजीज आर वायरलेस इन मैनर. जो नेटवर्क है वायरलेस ही यूज हो रहा है हमारे फोन में. दिस मेक्स द स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मैनेज. तो जब हमारा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, उस कंडीशन में हमें एक आर्किटेक्चर चाहिए होता है. आर्किटेक्चर क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स फिजिकल कॉम्पोनेंट एंड देयर फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्फिग्रेशन. कोई जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं उसमें कौन से फिजिकल कॉम्पोनेंट है उनको स्पेसिफाई करना, उनके फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, कन्फिग्रेशन करना, ऑपरेशनल प्रिंसिपल बताना, प्रोसीजर बताना, डेटा की फॉर्मेट बताना, कौन सी ऑपरेशन में कौन सा डेटा यूज हो रहा है, ये सब बताना आर्किटेक्चर का काम है. क्योंकि अब हम वायरलेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, मोस्टली 3G 4G सब वायरलेस है, राइट. जो हम सेंसर्स भी यूज करते हैं सब वायरलेस हैं. तो जो आर्किटेक्चर है वो रिक्वायर्ड है ताकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसको हम एनालाइज कर सके. कैसे, कि विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स फिजिकल कॉम्पोनेंट. नेटवर्क का फिजिकल कॉम्पोनेंट क्या है उसको स्पेसिफाई किया जाए, उसका फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाई करा जाए, कॉन्फिग्रेशन कौन सा कॉन्फिग्रेशन यूज हो रहा है, इट्स ऑपरेशनल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स एज वेल एज डेटा फॉर्मेट यूज इन ऑपरेशन. जो IoT है उसका डेवलपमेंट डिपेंड होता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, विच इज द एप्लीकेशन एरिया, कहाँ पर एप्लीकेशन करना है, होम में यूज करना है, बिजनेस में यूज करना है, या कौन से पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको यूज करना है, इस पर हमारे पास IoT का डेवलपमेंट डिपेंड करता है, राइट. अगर आप पर्सनल यूजेज के लिए करना चाहते हैं IoT का यूज, तो आप बेसिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं. बट वेन यू आर यूजिंग इट फॉर बिजनेस, तो आपको बिजनेस लेयर भी रिक्वायर्ड होगी, राइट. सो देर आर वेरियस IoT आर्किटेक्चर अवेलेबल फॉर IoT devices. तो यहाँ पर हमारे पास एक 5-layer architecture है. It is considered as a best proposed architecture of IoT. आप देख पा रहे हैं जो 5-layer architecture है. So 5-layer IoT में हमारे पास सबसे पहली जो layer होती है वो होती है perception layer. राइट. सो जब प्रोजेक्ट को हम बनाते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज से, बहुत सारे एप्लीकेशन एरिया हैं, अगर हम बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करें तो 5-layer आर्किटेक्चर को बेस्ट माना जाता है. राइट. सो 5-layer आर्किटेक्चर एक्चुअली 3-layer का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ही एक्सटेंशन है. तो यहाँ पर हमारे पास बस दो एडिशनल लेयर है. परसेप्शन लेयर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, इट इज सेम, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर. इट इज द परसेप्शन लेयर. फर्स्ट लेयर हमेशा परसेप्शन लेयर है.
रहेगी. इट टेल्स मी कि सेंसर्स कितने, एक्चुएटर्स कितने यूज हुए हैं, एक्चुएटर्स का काम क्या है, एक्चुएटर से कौन सी इन्फॉर्मेशन हम ले पा रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट, इंट्रूडर डिटेक्शन, साउंड एटसेट्रा. दीज थिंग्स वी गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ परसेप्शन लेयर. मेन फंक्शन इज टू जनरेट द डेटा, इट इज टू गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सराउंडिंग. डेटा को जनरेट करना, इन्फॉर्मेशन लेना सराउंडिंग्स एनवायरमेंट से और इस डेटा को पास करना, जिससे कि इस डेटा के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लिया जा सके, राइट. सो इस इंफॉर्मेशन को बनाने का काम होता है परसेप्शन लेयर का. देन कम्स द नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर इट प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन द परसेप्शन एंड द मिडलवेयर लेयर. जो परसेप्शन लेयर और मिडलवेयर लेयर है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है नेटवर्क लेयर. इट गेट्स डेटा फ्रॉम परसेप्शन लेयर और इसको प्रोसेस कर देता है, पास कर देता है मिडलवेयर लेयर तक. बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे 3G, 4G, UTMS, Wi-Fi, इंफ्रारेड, ये सब टेक्नोलॉजी यूज होती है नेटवर्क लेयर में. इसको कम्युनिकेशन लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा कम्युनिकेशन होता है बिटवीन परसेप्शन एंड द मिडलवेयर लेयर. जो सारा डेटा है ये हम सिक्योरली ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे. मिडलवेयर लेयर. मिडलवेयर लेयर के कुछ एडवांस फीचर होते हैं, जैसे कि स्टोरेज, कंप्यूटेशन प्रोसेसिंग, एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटीज. मिडलवेयर लेयर से ही हमें पता लगता है कि हमारे पास डेटा, अगर इन्हें फ्यूचर पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे चाहिए, तो मिडलवेयर लेयर से ही डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, राइट. सो मिडलवेयर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमारा इन बिटवीन कंप्यूटेशन करना है डेटा का, तो वो भी हो जाता है. कुछ एक्शन लेना है तो मिडलवेयर लेयर से भी लिया जा सकता है. It stores all the data set and based on the device address and name it gives appropriate data to that device. ये जो सारा data set है उसको store करता है based on the device address. और इस ये data को एक particular name देता है, जिससे कि वो particular device data security में भी help करता है. It can also take decision based on calculations done. जो भी calculations होती है middleware layer में, data store करता है, calculation भी करता है, data की processing भी करता है, और इसके बेसिस पर कुछ एक्शन भी ले लेता है, राइट. बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेंसर, इट कैन टेक एक्शन आल्सो. एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर यूजर इंटरफेस, राइट. सो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, इट इज ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिडलवेयर लेयर. इट इज लाइक, इट इज इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन लाइक सेंडिंग ईमेल्स, एक्टिवेटिंग अलार्म, सिक्योरिटी सिस्टम, टर्न ऑन और ऑफ अ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एग्रीकल्चर, राइट. सो जैसे कि अगर आपको ईमेल भेजना है, राइट, आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम यू वॉन्ट टू सेंड ईमेल टू अ क्लाइंट, सो बेस्ड अपॉन योर इनपुट, कि आपको अभी इनपुट देना है, इस इनपुट के बेसिस पर आपका ईमेल चला जाए, राइट. तो वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर. अलार्म को एक्टिवेट करना, आप अपने फ़ोन से ही अलार्म को एक्टिवेट कर सकते हैं एक रिमोट लोकेशन पर. सिक्योरिटी सिस्टम को आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IoT. टर्न ऑन और ऑफ अ डिवाइस, किसी भी डिवाइस को, जैसे अगर आप अपने घर में पहुंचने वाले हैं, इट इज़ समर टाइम, और आप घर में पहुंचने से पहले ही AC को ऑन करना चाह रहे हैं, जिससे कि जैसे ही आप घर में पहुंचे रूम ऑलरेडी कूल हो, तो उस केस में आप IoT का यूज़ कर सकते हैं. ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पर टर्न और ऑन और ऑफ होएगा. जो यूज़र टर्न और ऑन और ऑफ करेगा फ़ोन से, वो एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से. स्मार्ट वॉच जो वर्क कर रही है, एप्लीकेशन लेयर, राइट. स्मार्ट एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन लेयर. बिजनेस लेयर. सो अभी ये जो हमने कोई डिवाइस बनाया है, IoT बनाया है, सो IoT से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, अब ये सक्सेसफुल हुआ है या इट इज़ नॉट सक्सेसफुल, ये बिजनेस लेयर से पता लगता है, क्योंकि बिजनेस लेयर से हम डेटा एनालिटिक्स करते हैं. सक्सेस ऑफ एनी डिवाइस डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन टेक्नोलॉजी यूज इन इट, बट ऑल्सो हाउ इट इज़ बींग डिलीवर्ड टू कंज्यूमर, कि टेक्नोलॉजी कंज्यूमर तक कैसे पहुँच रही है, इस पर सक्सेस डिपेंड करती है. बिजनेस लेयर यही टास्क करता है. इट इन्वॉल्व मेकिंग फ्लो चार्ट, ग्राफ बनाता है, फ्लो चार्ट बनाता है, डेटा को एनालिसिस करता है, रिजल्ट को एनालिसिस करता है, और बताता है कि अभी जो आपने टेक्नोलॉजी बनाई है सक्सेसफुल है या नहीं है, या फिर आपको फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे करने हैं. आई होप आपको सारे कॉम्पोनेंट्स अच्छे से समझ आए होंगे. एंड द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू वाइंड अप IoT, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द थिंग्स. अगर आपको कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए. अगर सेशन पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक. इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द नोट्स, यू कैन गो टू आवर मोबाइल ऐप, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. थैंक यू सो मच.